Hi guys, waiting in the vanity van. I'm shooting with Kapil once again after so many years for his show. And it's so great to be back with the same team. There's Krishna and Kapil, of course, and Bharti and Kiku and the backstage team, the writers. Feels like, you know, when one comes home, so much love, so much excitement and so much laughter. So don't miss the episode. I don't know when it's going to air, but whenever it does, of course, aap to dekh hi rahe hain Kapil ka show, but I love being back on the show. So much fun. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो मैं देश का धन्यवाद देना चाहूँगा, हर भारतीय का धन्यवाद देना करना चाहूँगा। जिस तरीके से उरी हमारे फिल्म को उन्होंने सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो हालात भी चल रहे हैं वो इट सीम्स लाइक अ पर्सनल लॉस बिकॉज ऑफ द जर्नी दैट वी ऑल हैड एज अ टीम, एंड दुख होता है। आप लगातार उस बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और इट्स अ वेरी सैड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। और ये भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज हैं, खासकर अक्षय कुमार की बात करें तो उन्होंने जो इनिशिएटिव शुरू किया वेलफेयर फंड का, तो उस तरह का इनिशिएटिव शुरू करना कितना जरूरी होता है, खासकर सेलिब्रिटीज की बात करें क्योंकि नोन फेस होती है, लोग फॉलो करते हैं उनको। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर हम इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकें एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, वो बहुत अच्छी बात होती है। तो ऐसे सारे इनिशिएटिव्स को बहुत बहुत मुबारकबाद, और हमें आई थिंक जितनी काउंट के साथ हम आ सके वो उतना काउंट कम है। हम सबको आगे बढ़ के ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। देखिए, लास्ट में ये ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उससे बहुत फ़र्क पड़ा था, क्या आपको लगता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और अब पैमाने पर की जानी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं यहाँ खड़े खड़े, मैं बहुत एक कम नॉलेज वाला इंसान हूँ इसको लेकर। यहाँ बैठ के बोलना बहुत आसान है कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसके रिपरकशंस भी कई होते हैं। तो आई थिंक द बेस्ट मूव, आई थिंक हमारी गवर्नमेंट सोच ही रही होगी, ये सब जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे एक ठोस तरीके से बात चल रही होगी कहीं, एंड मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग ये बात कर रहे होंगे, एंड आई थिंक उन पर छोड़ना चाहिए। बट दैट पेन एंड एंगर दैट वी आर फीलिंग यूनाइटेडली, आई थिंक उसका, एंड आई फील ये मौका ना भूलना चाहिए, और इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन एंड इट शुड नॉट बी फॉरगिवन आल्सो। बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं लगता? हाँ जी, रिटेलिएशन बहुत जरूरी है इसमें। नहीं, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल एक जवाब देना बहुत जरूरी है, एंड जवाब इस तौर पे कि इन चीज़ों को हम ना लाइटली लेंगे, बहुत सीरियसली लेंगे, और इन चीज़ों का जवाब देना बहुत जरूरी है। ओके, विकी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं, चाहे वो फिल्म के हों, आर्टिस्ट के हों, उनको भी खत्म करना चाहिए, अब विराम लगना चाहिए वहाँ पर? देखिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे देश के सैनिक, और उससे ऊपर कोई नहीं। विकी, जिस तरीके से अटैक हुआ हमारे जवानों पर, क्या कहना चाहेंगे, कितना? देखिए, अटैक एक तो पहली बात जवान पर, जो सेल्फलेसली इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर वहाँ खड़ा हो जाता है, तो एक तो उसकी पोजीशन ही अलग है। वो हमसे बहुत, वो रियल हीरो जो हम कहते हैं, वो रियल हीरो है। उस पर जब इस तरह का कावर्डली अटैक होता है कि छुपके से आके बम से फोड़ा दो, फोड़ दो, जो वो उनके रीज़न होते हैं, वॉक इंटरप्रिटेशन होते हैं, आपके लेके आते हैं कि हमारे ये मकसद है, हम ये कर रहे हैं, तो ऐसे वॉक लोग दुनिया भर में भरे हुए हैं। एंड ऑब्वियसली हमारे जवान हैं, हमारे हीरो हैं, हमारे रक्षक हैं, तो हमको तो बिल्कुल यार एक दर्द होगा, लेकिन क्योंकि उनके जो घर वाले, उन पर क्या गुजरी होगी, वी अंडरस्टैंड, बिकॉज सबने कुछ ना कुछ खोया, लेकिन ये सेल्फलेस लोग हैं, ये जानते हैं कि हमारा अंत कहीं ना कहीं इस तरह से होगा, और ये जानते हुए भी ये वहाँ पे खड़े होकर प्रोटेक्ट करते हैं। तो बहुत सलाम सल्यूट उनको, एंड होपफुली अब जो भी लोग हैं रिस्पॉन्सिबल, तो उनको तो दे हैव टू पे, बिकॉज दिस इज नॉट वी कांट टेक इट एनीमोर, बहुत हो गया। और कहते हैं, नाम भी रखा है जायश मोहम्मद, क्या नाम रख रहे हैं वो, हम भी मुसलमान हैं, यू नो, आर्मी ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद इज चूज ओन आर्मी, हु आर दे टू कॉल देमसेल्फ द आर्मी ऑफ मोहम्मद, इस तरह के आगे करके अब निहत्तों को छुपके से आके, बच्चों को, यू नो, तो बूढ़ों को, जवानों को, किस तरह, दिस इज नॉट द एक्ट ऑफ सो कॉल्ड ए रिलीजियस ग्रुप और किसी भी, कोई भी रिलीजियस, कोई भी टेररिस्ट, सिंपल एज दैट, दिस इज, इट इज, वी क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही दर्दनाक बात है, और ऐसे लोगों को हमारी आर्मी अब चल रही है,
और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी आर्मी जाकर इनको निकालेगी, पकड़ेगी और जो करना होगा जहाँ भी हो। एंड दिस एंड वर्ल्ड का सपोर्ट है कि देखिए सम ये ग्रुप्स टेररिस्ट ग्रुप्स रिकग्नाइज कर दिए गए, लेबल कर दिए गए कि टेररिस्ट ग्रुप है, तो अब क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं कि हम इनको निकाल नहीं पा रहे हैं, जहाँ भी बैठे हों या पाकिस्तान में बैठे हैं या अफगानिस्तान में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, दे शुड बी किक्ड आउट एज सिंपल एज दैट एंड दे शुड बी पनिश्ड फॉर देयर एज सिंपल। थैंक यू। विजुअल हो गए तो पकड़ना पड़ेगा। अच्छा सर कैमरा हाँ, सबसे पहले आप दोनों से ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है एक्टर्स के लिए, सो कितना बेनिफिशियल है जो एक्टर है उनके वो उनके लिए और जो एक्टर बनना चाहते हैं उनके और जो एक्टर बनना चाहते हैं। देखिए सिंटा ने जो काम किया है बहुत साल पहले होना चाहिए था और मैं बहुत मतलब कदर भी करता हूं और एक दाद भी देना चाहूंगा कि ये जो अटेम्प्ट किया है सुशांत हैं, अमित जी हैं, विक्रम गोखले जी हैं, मनोज जी हैं, दीपक काजिर हैं, अयूब खान हैं, ये सारे लोगों और भी हैं जो नाम अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने जुड़कर ये अटेम्प्ट इतना प्यारा अटेम्प्ट किया है और मैं और ये हर साल दर साल बढ़ता ही रहे और ये बहुत ज़रूरी था कि अपनी फ्रेटर्निटी को इनक्रेज करना, उनका उनकी सहानुभूति करना एक तरीके से एंड प्रोत्साहन करना, ये सारी चीज़ें हमारी फ्रेटर्निटी जो खुद करती है ना कि बाहर कोई मैगजीन कर रहा है कोई कर रहा है वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जब हमारी अपनी फ्रेटर्निटी हमारे एक्टर्स हमारे सीनियर्स रिकग्नाइज करते हैं और जो बाहर शायद रिकग्निशन मिलता नहीं और वो आदर या इज्जत या जो भी आप कहें अवार्ड अवार्ड एक कहने का मतलब ये है कि एक टैलेंट दूसरे टैलेंट को पहचान कैसे पहचानता है और अवार्ड देता है, और कौन पहचान सकता है, एक एक्टर ही पहचान सकता है जो इस फ्रेटर्निटी का है, जो कह रहे हैं कि बहुत बहुत ही अच्छा काम है, सालों साल बाद मेरे फादर कहते थे कि बहुत पहले होना चाहिए था, बट खैर दे रहा है दुरुस्त है, बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी, वी आर ऑल वेरी हैप्पी। सर एक और सवाल है, जिस तरीके से पुलवामा अच्छा, लेकिन अभी तो आप सिंटा थिंग एंड देन नाउ वी विल गो ओके बोलिए पूछिए। Well, I'm not too sure about that. That is the government and the army and the everybody else's protocol. But yes, what आज जो कुछ भी हुआ है that is really really sad. कुछ बेकसूर जवान हमारे जो अपनी छुट्टियाँ बिताने के बाद वापस कश्मीर जा रहे थे उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है, बहुत दुखद निंदनीय है ये एंड वट एवर द गवर्नमेंट एंड द डिफेंस पर्सनल दे हैव टू डू दे विल डू द नीडफुल बिकॉज यस दिस इज नॉट राइट दिस इज रियली रियली सैड। देखिए जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए वो बहुत ही कम है। 40 लोग जो मारे गए हैं उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि, जो उनके ऊपर गुजर रही होगी हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए, इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा। Well, it's not only shameful and disgusting, and I know that a lot of viewers are not going to like this, but I'm a son of an army officer. My father was Lieutenant General K. Surendra Singh, and he fought all the wars. And he used to always say that Pakistan will never, never respond to dialogue. An eye for an eye, a bullet for a bullet. Shoot them down. किस तरीके से बदला लेना चाहिए?
یہ آپ چاہتی ہے کہ میں سجیسٹ کروں؟ دیکھیے یہ سب یہ جو باتیں ہیں یہ بہت ہی اٹس اے ویری سیریس میٹر. 42 جوانز ہیو لاسٹ دیئر لائفس، ادرز آر کریٹیکلی انجرڈ. سو اسینشلی دیر آر 42 فیملیز رائٹ ناؤ ہو آر ان مورننگ، اینڈ دا ریسٹ آف دا فیملیز آر ان یو نو گریف بیکاز دا جوانز آر کریٹیکلی انجرڈ. اٹس اے سیویئر ڈینٹ ان آر نیشنل سیکیورٹی. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹ شوڈ بی ٹیکن سو لائٹلی ایز ٹو کس طرح بدلہ لینا چاہیے. وہ ہے ہمارے وی ہیو اے یو نو ڈیفینس ڈپارٹمنٹ ان پلیس اینڈ اٹس اے سیریس میٹر وچ یو نو نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ سیریسلی، ناٹ وائل اٹس ناٹ اے سبجیکٹ دیٹ وی شوڈ ڈویل ان ٹو رائٹ ناؤ. جی I'm sorry because I feel very bad. Mere